ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक सोलन द्वारा स्वयं सहायता समूहों के संबंध में जिला में कार्यरत बैंकों के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी राजेंद्र कुमार गौतम ने की। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक सोलन द्वारा स्वयं सहायता समूहों के संबंध में जिला में कार्यरत बैंकों के लिए जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की अध्यक्षता जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी राजेंद्र कुमार गौतम ने की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण आर्थिक को सुदृढ़ करने और समूह के रूप में कार्य करने को प्रोत्साहित करने की दिशा में स्वयं सहायता समूह महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। उन्होंने विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि सोलन जिला के सभी गांवों में इस दिशा में ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए जागरूकता शिविर आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यशाला के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के बैंक व ऋण संयोजन के साथ साथ संयुक्त समूह व ई शक्ति के विषय में उपस्थित प्रतिनिधियों को जागरूक किया गया। नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक अशोक चौहान ने बताया कि बैंकों को कार्यशाला में आमंत्रित किया गया था, जिसमें स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को पेश आ रही दिक्कतों के बारे में बैंकों के प्रतिनिधियों को जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि इस मौके पर बैंक प्रतिनिधियों को ये आवेदन किया गया है कि स्वयं सहायता समूहों को ऋण देने की प्रक्रिया को त्वरित करें ताकि महिलाओं का समय नष्ट न हो। आज हमारे द्वारा सोलन में एक जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जो कि स्वयं सहायता समूह, संयुक्त देयता समूह और जो नाबार्ड द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट 2015 में शुरू किया गया था ई शक्ति, जिसमें कि एसएचएस का डिजिटाइजेशन किया जा रहा है, उस पर फोकस्ड हमारी आज की कार्यशाला थी। जैसे कि आप सबको विदित होगा कि 1992 में नाबार्ड का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था स्वयं सहायता समूह के नाम से, जो कि आज मेन स्ट्रीम हो चुका है और गवर्नमेंट ने भी इस एनआरएलएम के माध्यम से एसएचजीज को प्रमोट करने की दिशा में काफ़ी सराहनीय कदम उठाए हैं। तो इसी के बारे में बैंकर्स का सेंसिटाइजेशन करने के लिए और उनके जो क्वेरीज हैं, उनके जो कंसर्न्स हैं, उनको एड्रेस करने के लिए आज हमने इस कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसमें कि परियोजना निदेशक डीआरडीए श्री राजेंद्र गौतम जी उपस्थित थे, विभिन्न बैंकों के अधिकारी उपस्थित थे। तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ। आप ऐसे ही जुड़े रहिए ऐश्वर्य के साथ। नमस्कार।